खबर है भदोही से। भदोही में स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हाल ही में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन स्वायत्त शासी संगठन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा स्टार्टअप के जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम पहल के जरिए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने हेतु एक सतत स्वरूप विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें प्रमुख बिंदु हैं। इस साझेदारी के तहत ग्रामीण उद्यमियों को अपने कारोबार शुरू करने के संबंध में वित्तीय समर्थन प्राप्त करने के लिए बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। इसमें मुद्रा बैंक का समर्थन भी शामिल है। ICD तकनीकों और उपकरणों से क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण मिलेगा। इसके तहत देश के गांवों में उद्यमशीलता इकोसिस्टम को बढ़ाने हेतु उपकर्म सलाहकार सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। परियोजना के लाभार्थियों में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित स्व सहायता समूह शामिल है। योजना न सिर्फ मौजूदा उद्यमियों बल्कि नए उद्यमियों को भी सहायता करती है। ये साझेदारी ग्रामीण समुदाय को उनके व्यापार को स्थापित करने में मदद करेगी और उनके स्थिर होने तक पूर्ण सहायता प्रदान करेगी। भदोही से एम एस राज की रिपोर्ट। काम हुआ तो SVP के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे हम काम करते हैं, कैसे क्या है, तो इसमें लिखा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उद्यम सलाहकार सेवाओं के लिए तकनीकों और उपकरणों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, सचिव और गरीबों को उद्यम स्थापित करने में मदद। भाषा में हम ले सकते हैं इसको कि ग्रामीण क्षेत्रों में समूह सदस्यों को हम तकनीकी एवं वित्तीय सहायता करके उनको गैर कृषि आधारित रोजगार करवा करके उनके आर्थिक स्थिति में सुधार कराना हमारे SVP का उद्देश्य है। इसमें हम कैसे करते हैं कि जो तकनीकी यानी टेक्निकल जो उनको बिजनेस प्लान बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, कैपेसिटी बिल्डिंग और वित्तीय कैसे होता है, जो हम फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते हैं। हम उसको बैंक से भी पैसा दिलवा सकते हैं, प्लस पैसा हमारा जब बैंक से नहीं मिलता तो हम लोग अपने CEF का प्रावधान है कि जो कम्युनिटी इंटरप्राइज फंड है, हम उस फंड को उनको देते हैं कि उस फंड से वो जाके गैर कृषि आधारित रोजगार को स्थापित करवाएं।